देखिए, जो हमारे तीन साथी भाई अनीश खटकड़, नवदीप सिंह और कीरत सिंह जो जेल में बंद हैं, उनको आज रिहाई के लिए यहाँ पंचायत हुई थी। प्रशासन कई बार समय मांग चुका है लेकिन प्रशासन उनको रिहा नहीं कर रहा था, तो आज यहाँ पे पंचायत करके फैसला लिया है कि अभी इस रोड को हम जाम कर रहे हैं। जो ये मेन हाईवे है, जो रोड जींद को जाता है, आगे पटियाला को जाता है, इस रोड को हमने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। और यदि प्रशासन कोई बात करना चाहेगा तो प्रशासन की बात सुनेंगे। हमारे भाइयों की रिहाई के अलावा और कोई अन्य विकल्प नहीं है। हमारे जो निहत्थे निर्दोष भाइयों को जिस तरीके से प्रवृत्तापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। और हमारा एक साथी अनीश खटकड़ तो पिछले 33 दिनों से जेल के अंदर भूख हड़ताल पे है, जिसका 20 किलो से भी अधिक वेट कम हो चुका है और उसके वाइटल ऑर्गन्स फेल होने का भी खतरा है। तो इसलिए आज गुस्से स्वरूप यहाँ पे रोड जाम कर दिया गया है। भाई अनीश खटकड़ है जींद से, और अम्बाला से गुरकीरत सिंह और नवदीप सिंह। देखिए, अब आगामी फैसला जब तक दोनों फोरम नहीं लेते तब तक यहाँ पे रोड जाम। देखिए, रोड जाम इसलिए करना पड़ा है कि यहाँ पे जब आंदोलन चल रहा था, वहाँ पे स्टे चल रही थी, वहाँ से एक अनाउंसमेंट की गई थी प्रशासन को कि यहाँ पर मतलब समय रहते आकर हमारे साथ बातचीत करें और हम उस बातचीत का हिस्सा बनकर हमारे मसला जो सुलझाना चाह रहे हैं उसका बात करेंगे। लेकिन प्रशासन ने उसके ऊपर कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे मजबूरन आज हमें संकेतक रूप में यहाँ पे मतलब आकर हम रोड पे बैठे हैं। हमारा ये प्रोग्राम था आज का दोनों फोरमों की ओर से और टोल कमेटी की ओर से कि आज कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा, जब किसानों की इतनी भारी संख्या में किसान मजदूर यहाँ पहुँचे हुए हैं इसको लेते हुए। लेकिन आज ये सूचना मिली हमें, मतलब कमेटी वालों ने, नेताओं ने ये बताया कि हमारे आंदोलन का हिस्सा रहने वाले दो साथी, एक तो इसी गांव का नौजवान आज सुबह हार्ट अटैक होकर उसकी मतलब डेथ हुई है, एक आंदोलन का पार्ट रहा हमारा साथी कैप्टन साहब, उनके भाई की आज डेथ हुई है। उसको ध्यान में रखते हुए हम एक समाज में भी विचरने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं है कि भी हमारा समाज के साथ कोई लगाव नहीं है। उस पूरी कहानी को ध्यान में रखते हुए आज इसको संकेतक कर दिया गया है, और संकेतक करने के बाद आगे फिर इसी प्रोग्राम जो हमने करना था इसको आगे करेंगे। देखिए, जो आज फैसला लेना था वो कुछ सख्त फैसला जो कमेटी ने लेना था, कमेटी ने दो अनाउंस किए हैं कि रोड ब्लॉक की जा सकती थी या मतलब ट्रेन के पटरी पर जाया जा सकता था। उसी प्रोग्राम को आगे मतलब बढ़ाने का, जहाँ टोल कमेटी जैसा भी फैसला लेगी उसके हिसाब से करेंगे। रेलवे ट्रैक रुकी हुई नहीं, वो तो चल रहा है। देखिए, वो मामला ये है कि रेलवे ट्रैक रोकना भी हमारी कोई मंशा नहीं होती, ना ही हमारी मंशा कोई रोड रोकने की होती है। हमारी मंशा ये है कि देखिए, हमारा एक नौजवान अनीश खटकड़ जो, वो लगातार आज 35 दिन हो गया अनशन पे है और सरकार को बार बार निवेदन कर रहे हैं। उसकी कोई गुनाह भी नहीं है, उसका उसके ऊपर कोई इतनी बड़ी बड़ी उसने अपराध नहीं किया, सिर्फ एक आंदोलन का हिस्सा है वो लड़का। आंदोलन का हिस्सा तो हम सारे हैं, सभी लोग हैं। तो उसके ऊपर 307 की धारा लगाकर जेल में बंद किया गया है, तो वो लड़का उस दिन से अनशन पे है। अगर उसकी सेहत का ध्यान सरकार नहीं रखेगी तो फिर हमारी मजबूरी बनेगी। हमारे हाथ में कलम तो नहीं है कि उसको बाहर ला सकें, लेकिन उसको बाहर लाने के लिए जो हमारा प्रयास करना बनता था, उस प्रयास का ये पार्ट है कि सरकार की जो सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, कान बंद कर सोई हुई है, उसके कान खोलने के लिए, उसकी आंखें खोलने के लिए हमें रोड पर भी आना पड़ रहा है, हमें रेलवे ट्रैक पे आना पड़ रहा है। नहीं तो ना तो हम रोड रोकना के कोई इच्छुक है, ना ही हमें ट्रेन रोकने के इच्छुक है। देखिए, मामला ये है कि हरियाणा के लोगों के अंदर आक्रोश है, ये आप देख रहे हैं इतनी संख्या में हरियाणा के लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो जिन लोगों के अंदर नाराजगी है, गुस्सा है, वो लोग आंदोलन तो कर ही रहे हैं। अगर सरकार इसी तरीके से उनको अनदेखा करती रहेगी, उनके ऊपर ध्यान नहीं देगी, तो फिर मतलब उनको मजबूरन आंदोलन तो तेज होगा और किसी तरह की भी कॉल की दी जा सकती है। दिल्ली कोर्ट के फैसले को लेकर आप लोग बैठे थे, तो आगे क्या किस तरह की रणनीति रहेगी? अभी दोनों बोर्ड पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लंबे समय से। देखिए, जो दिल्ली कूच का हमारा कार्यक्रम था वो आप सबने देखा है, हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से जिस तरीके से मतलब सीमेंट और बजरी के बैरिकेड्स किए गए हैं और वहाँ पे कितनी हैवी शेलिंग हुई है, कितना गोली चलाई गई, 400 के करीब किसान जख्मी हुए और एक हमारे नौजवान की गोली लगने से डेथ भी हुई है, उनको शहीद हो गया।
ऐसे हालात में हम आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला। चुनाव आया है, आचार संहिता लगी है, उसके दौरान भी हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये आंदोलन इस समय चलना सभी पॉलिटिकल पार्टियों के किसान के ऊपर सोचने के लिए, किसान के मुद्दों के ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये आंदोलन दिल्ली जाकर बैठकर अगर हम करते, उससे मुझे लग रहा है कि ये आंदोलन उससे ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है।